हैंडसम, चार्मिंग और सिक्स पैक वाले नमिक पॉल को आखिरकार क्यों उनके हाइट की वजह से काफी सारे प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा, यानी कि उनसे वो सारे प्रोजेक्ट्स खो गए? आखिरकार क्यों सेट्स पर उनके हाइट को लेकर जोक किया जाता था? कवच और कसौटी जिंदगी की टू जैसे शो से पहचान बनाने वाले टीवी एक्टर नमिक पॉल से आप अनजान तो नहीं होंगे, जो इन दिनों जी टीवी के सीरियल लग जा गले में सिर्फ धोपर के लीड रोल को प्ले कर रही हैं। साथ ही साथ वो बताते हैं कि स्टार्टिंग दिनों में मेरे ऑपोजिट तो मानो लड़कियों को कास्ट करना मुश्किल ही हो गया था। आज की इस वीडियो में जानते हैं आखिरकार कैसे नमिक की हाइट उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी और उन्हें हाइट की वजह से इतने सारे रिजेक्शनों का सामना करना पड़ा, और साथ ही साथ इनके लव लाइफ के बारे में। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमिक पॉल का जन्म 19 सितंबर 1987 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था और साल 2023 के हिसाब से ये हैं 36 साल के। नमिक एक हिंदू फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। इनके फादर आईएएस ऑफिसर हैं, तो साथ ही साथ इनकी माँ एक लॉयर है जिनका नाम रेनू पाउल है। इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम लवण्या पाउल है। बात करें इनके अर्ली एजुकेशन की, तो इन्होंने अपने स्कूलिंग एजुकेशन और बोर्डिंग स्कूल मसूरी से कंप्लीट की है। इसके बाद इन्होंने दून इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी देहरादून से बीटेक कंप्लीट किया है और आगे की पढ़ाई करने के लिए लगभग 2 साल तक यूएस में भी रहे थे। बात करें इनके करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। मॉडलिंग से पहले ये एनडीटीवी में काम करते थे। इस काम को छोड़कर वो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखे, क्योंकि बचपन से ही नमिक को एक्टिंग में इंटरेस्ट रहा है और वो एक्टर बनना चाहते थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, लेकिन वही अपने करियर के स्ट्रगल को याद करते हुए नमिक बताते हैं कि उन्हें शुरुआती दिनों में काफ़ी रिजेक्शनों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनके ऑपोजिट उनकी हाइट की वजह से कोई लड़की को कास्ट करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इनका हाइट किसी भी लड़की के साथ मैच ही नहीं खाता था। इस वजह से उन्हें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट से हाथ भी धोने पड़े। साथ ही साथ नमिक बताते हैं कि सीरियल्स में भी उनकी हाइट को लेकर काफ़ी जोक बनाया जाता था। हालांकि वो बताते हैं कि मुझे मेरी हाइट से कभी प्रॉब्लम नहीं रही है और ना ही मुझे ये सब छुपाना पसंद है, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है, भला इसे कौन छुपा सकता है। जिसके बाद काफी रिजेक्शनों का सामना करने के बाद इनको लकीली साल 2015 में जी टीवी के सीरियल कबूल है में ईशान राजा शेख के एक छोटे से कैरेक्टर को प्ले करने का मौका मिला। हालांकि इनके इस छोटे से कैरेक्टर से इनको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली, जिसके बाद इनको लगातार सीरियल्स के लिए ऑफर्स आने लगे। लेकिन इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया साल 2016 में, जब इनको सोनी टीवी के सीरियल एक दूजे के वास्ते में श्रवण मल्होत्रा के लीड रोल को प्ले करने का मौका मिला। इस रोल से इनको काफी पॉपुलैरिटी मिली थी, जहां इनके ऑपोजिट नजर आई थी निकिता दत्ता। इस सीरियल से ही इनको काफी पहचान मिली। इसके बाद ये काफी सारे हिट सीरियल्स में नजर आए, जैसे साल 2017 में ऐ जिंदगी, साल 2018 में एक दीवाना था, और साल 2019 में कवच महाशिवरात्रि, और साल 2020 में कसौटी जिंदगी का में भी नजर आए थे। नमिक ना सिर्फ टेलीविजन सीरियल्स तक ही सीमित रहे, बल्कि इन्होंने डिजिटल डेब्यू भी किया है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साल 2016 में वेब सीरीज द ट्रिप में आदिल मलिक के कैरेक्टर को प्ले किया था, और करंटली ये साल 2023 में जी टीवी के सीरियल लग जा गले में शिव धोपर के लीड रोल को प्ले कर रही हैं, और इस कैरेक्टर से भी इनको भर भर कर प्यार मिल रहा है। इनकी को स्टार है तनिषा मेहता। इन दोनों की जोड़ी भी ऑन स्क्रीन काफी पसंद की जा रही है। बात करें इनके पर्सनल लाइफ और अफेयर से जुड़ी, तो नमिक अनमैरिड है, वहीं इनसे शादी को लेकर क्वेश्चंस करने पर ये कहते हैं कि फिलहाल इन्हें शादी करने का कोई प्लान नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि मेरे मम्मी पापा वैसे तो इस मामले में मेरे पीछे नहीं पड़े रहते शादी के लिए, लेकिन जब भी उस बारे में बात होती है तो मैं टाल देता हूँ, और मेरे मम्मी पापा मुझे शादी के लिए इतना फोर्स नहीं करते। वहीं जब सभी ने नमिक से उनकी चॉइस की लड़की के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे लड़की के लुक से इतना मैटर नहीं करता, लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए,
क्योंकि मैं बहुत मजाकिया हूँ। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो अपने करियर में या फिर अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहे। मुझे एक्ट्रेस से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दोनों ही एक्टर हैं तो हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम 12 से 14 घंटे तो सेट पर ही बिताते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी से प्यार हो गया जो मेरी ही फील्ड से है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल तो मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं है। नमित अपने डेब्यू सीरियल के लिए ही गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। वहीं बात करें इनके इनकम की, तो इनका इनकम टेलीविजन सीरियल्स और ब्रांड प्रमोशन से होता है, और ये एक एपिसोड में काम करने के लिए लगभग 50,000 से लेकर 60,000 तक चार्ज करते हैं। सो गाइस, ये थी नमिक पाउल के लाइफ से जुड़ी कुछ जानी अनजानी बातें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।